नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष से और एक बार आप सभी के सामने। आज हम आने वाला सप्ताह यानी कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हर एक राशि के यातक या यातिका के लिए कैसा रहेगा इस बारे में विस्तार से जानेंगे। मेष राशि के यातक के लिए इस सप्ताह आसपास के आदमियों से दिक्कत हो सकता है। संडे से मंडे दोपहर तक शुभ होगा, उसके बाद अशुभ रहेगा। मंगलवार के दिन वो लोगों के साथ आपको चलना होगा जिनको आप पसंद नहीं करते हो। बुध और गुरुवार आपको हताशाओं का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को आपके द्वारा कोई भूल करने का संभावना है। शनिवार मेष राशि के यातक के लिए शुभ होगा। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में वो लोग अपना पैसा पा सकते हैं ठीक समय पर। संडे को ये यातक बहुत सारा जिल के साथ काम शुरू करेगा और इन लोगों को सही फल भी मिलेगा। ये लोग के लिए सोमवार भी बहुत अच्छा जाएगा। मंगलवार को कोई पुराना दोस्त या रिलेटिव के साथ मिलने का संभावना है। बुधवार दोपहर के बाद सतर्क रहिए, कोई शत्रु आपके सामने मित्रों की वेश लेके आ सकता है। गुरुवार और शुक्रवार थोड़ा सावधान रहिए, शनिवार आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मिथुन राशियों के लिए इस सप्ताह में कोई दोस्त और रिलेटिव का शादी के संभावनाएं हैं। रविवार थोड़ा मानसिक डिप्रेशन रहेगा। सोम मंगल बुध और गुरुवार इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार को कोई रिलेटिव का समस्याओं का सामना हो सकता है, लेकिन वो समस्याएं समाधान भी हो जाएगा। शनिवार शुरू से ही थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वो दिन आपके लिए अशुभ होगा। कर्कट राशियों के लिए ये सप्ताह आर्थिक दिख से शुभ रहेगा। ये यातक रविवार को कोई अपना आदमियों से कष्ट प्राप्त करेगा। सोमवार दोपहर से मंगलवार तक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। बुधवार से शुभ होने का एहसास होगा। गुरुवार शुभ होगा। भूल करके भी शुक्रवार को कोई भी डील मत करना। शनिवार भी इस जातक के लिए शुभ होगा। सिंह राशि के लिए उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोस्ती में दरार आएगा। रविवार शुभ फलदायी होगा। सोमवार दोपहर के बाद आर्थिक दुश्चिंता और खराब होने का संभावनाएं हैं। मंगलवार को मां के साथ विवाद होने का संभावनाएं हैं। बुध और गुरुवार सावधान रहना। शुक्रवार को संतान से मतविरोध होने का संभावनाएं हैं। शनिवार इन लोगों के लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातक के साथ उन लोगों के भाई या भाई जैसा किसी के साथ विवाद होने का संभावनाएं हैं। रविवार को सावधान रहना। सोमवार को सामाजिक सम्मान प्राप्तियों का संभावनाएं हैं। मंगलवार से बुधवार दोपहर तक शुभ, बुधवार दोपहर के बाद से अशुभ फल लाभ होगा। गुरुवार को कर्म और विद्या क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन परिवार से अशांति लाभ होगा। शुक्रवार शुभ, लेकिन शनिवार संतान के लिए मानसिक दुश्चिंता रहेगा। तुला राशि के जातक के लिए इस सप्ताह में जल्दबाजी करके अपना विवाह ठीक करना अशुभ रहेगा। रविवार तुला राशि के जातक के लिए शुभ रहेगा। सोमवार ज्यादा खर्चा होने का संभावना है। मंगलवार को यात्रा अशुभ रहेगा तुला राशि के लिए। बुधवार को ज्यादा खर्चा होने का संभावनाएं हैं और रिलेशनशिप में तनाव आने का संभावनाएं हैं। गुरुवार को कोई कर्मचारी से एडवाइस मिलेगा। शनिवार को माता पिता के साथ अनमन होने का संभावनाएं है। वृश्चिक राशि के जातक के लिए एडवाइस रहेगा कि वो सही विचार द्वारा कर्म करे, तब शुभ रहेगा। सोमवार को शुभ फलदायी होगा। मंगलवार भी शुभ रहेगा। बुधवार दिन
अपना हर काम को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। गुरुवार के दिन इन लोगों के लिए शुभ होगा। शुक्रवार अपने परिवारों से आपको शिकायत मिलने वाला है, इसीलिए सतर्क रहना। शनिवार के दिन इन लोगों के लिए शुभ रहेगा। धनु राशियों के लिए अगर वो कोई सरकारी काम करे तब उन लोगों को शुभ फल मिलेगा। रविवार को संतान के साथ समय बिताना पड़ेगा। सोमवार को ध्यान लगा के अपना काम कंप्लीट कर लेना। मंगलवार को पैसा लेके किसी के साथ कोई भी झगड़ा मत करना। बुधवार शाम के बाद शुक्रवार तक हर काम को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि शनिवार से बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है। मकर राशियों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। रविवार को अच्छा कोई बदलाव आने वाला है। मंगलवार किसी से हेल्प मिलने वाला है। बुधवार को थोड़ा ज़्यादा व्यय होगा, यानी कि एक्सपेंसेस होगा, लेकिन फिर भी कोई समस्याएं नहीं होगा। गुरुवार और शुक्रवार थोड़ा बहुत कॉन्जुगल लाइफ में समस्याएं आएगा। शनिवार से शुभ होगा। कुंभ राशि वाले समय और मौके का फायदा उठाइए। रविवार को पूरा एफर्ट दीजिए खुद के काम पे। सोम और मंगलवार अशुभ रहेगा। बुधवार कोई भी लीगल स्टेप ठीक तरह से लीजिए। गुरुवार बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। शुक्रवार थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाला है। शनिवार थोड़ा बहुत असम्मान भी मिलेगा आपको। मीन राशि वाले अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तब उनके लिए अशुभ होगा। रविवार को बहुत सारा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को कोई रिक्स मत लेना। मंगल और बुधवार को अर्थ लाभ होगा। गुरुवार को शुभ रहेगा। शुक्रवार को अपना परिवार को समय दीजिए। शनिवार थोड़ा मानसिक अशांति रहेगा। नमस्कार, मैं सौरभ आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए।